उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे लिए हरिजन ही ठीक है। भगत सिंह वॉज ए फ्रीडम फाइटर इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1907। भगत सिंह डैड एंड अंकल वर फ्रीडम फाइटर्स टू। भगत आखिर हम 3 हफ्तों के सफर के बाद दांडी पहुँचे। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं ये नमक बना के ब्रिटिश राज्य की नींव ला दूंगा। मेरी जाति को जीना चाहते अंग्रेजों, मुझे कमजोर मत समझना। मेरी बाजू में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपनी जाति की रक्षा कर सकूं। अगर मेरी जाति पर आंख उठा कर भी देखा तो मैं तुम्हें गांव से मिला दूंगी। धन्यवाद। हमारे गांधी बापू महान। जय हिंद, जय भारत। बड़ा उस्ताद पूरा।
सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटक स्वच्छ भारत पर आधारित है। इस नाटक का शीर्षक है चलो करें शुरुआत। अच्छा सुनो, आज संडे है, हम कहीं बाहर पिकनिक मनाने चलते हैं। कहाँ चलें? चलो चिल्ड्रंस पार्क चलते हैं। वाह बहुत अच्छा, मैं कुछ खाने की चीजें बना देती हूँ। मैं बाहर से चिप्स और बिस्किट्स के पैकेट खरीद लाता हूँ। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आप कूड़ा कूड़ेदान में ही डालिए, चाहे घर हो, चाहे कार स्कूल हो, चाहे कार्यालय हो। यदि आपके हाथ में कूड़ा हो या कहीं पर भी आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिले तो प्लीज उसे कूड़ेदान में ही डालिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकिए और खासकर मास्क आप कूड़ेदान में ही फेंकिए, जिसे हमारे जानवर खा सकते हैं, जिससे वो भी बीमार पड़ सकते हैं। हमें उन सब का भी ख्याल रखना चाहिए और कूड़े से हमारा पर्यावरण भी दूषित हो सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि आजकल कोरोना महामारी फैल रही है, जिससे हमें आसपास और भी स्वच्छ रखना चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चाल।